पुलवामा में आतंकियों ने जो हमला किया है उससे हर भारतीय आक्रोश में है। हमारे वीर जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये भरोसा झांसी की धरती से, वीरों और वीरांगनाओं की धरती से मैं 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों को देना चाहता हूं। हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य, उनका पराक्रम देश ने देखा है और हमारे देश में कोई ऐसा नहीं हो सकता जिसे हमारी सेना के शौर्य और सामर्थ्य पर रत्ती भर भी शक हो। देश को उनके सामर्थ्य और शौर्य पर बहुत बहुत भरोसा है। और मेरे प्यारे देशवासियों, यहां आशीर्वाद देने के लिए आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सुरक्षा बलों को लिए आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। पुलवामा हमले के गुनाहगार, पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हमारा पड़ोसी देश ये भूल रहा है, ये नई नीति और नई रीति वाला भारत है। आतंकी संगठनों और उनके आकाओं ने जो हैवानियत दिखाई है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा। साथियों, हमारा पड़ोसी देश इस समय आर्थिक बदहाली से बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। वो अब विश्व में इतना अलग थलग कर उसकी हालत इतनी खराब कर दी गई है कि बड़े बड़े देश उससे दूरी बनाने लगे हैं। उसके लिए अपना रोजमर्रा का खर्चा तक चलाना मुश्किल हो गया है।